लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कैबिनेट में 20 से ज्यादा जो प्रस्ताव है वो लाए जा सकते हैं। वस्त्र गारमेंट पॉलिसी से जुड़ा प्रस्ताव आज पास हो सकता है। टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने की पहल भी हो सकती है। निवेशकों को सहूलियत के लिए ब्याज में सब्सिडी की सहूलियत मिल सकती है। मथुरा बाराबंकी नगर पंचायत के सीमा विस्तार से जुड़ा प्रस्ताव भी पेश हो सकता है। इसके साथ दुग्ध विकास दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति से जुड़ा प्रस्ताव भी पेश हो सकता है। इनोवेशन फंड की स्थापना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी आज बैठक में पेश किया जाएगा। तो ये वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिन पर आज मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, और ये तमाम वो प्रस्ताव है जिन्हें आज रखा जाएगा, चर्चा की जाएगी, और उसके बाद माना जा रहा है कि इन प्रस्तावों पर आज जो है मुहर भी लग सकती है। तो 20 से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं जिन्हें आज पटल पर रखा जाएगा, उसके बाद चर्चा होगी, और माना यह जा रहा है कि इन 20 प्रस्तावों पर आज मुहर भी लग सकती है। महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें इन प्रस्तावों को पेश किया जाएगा। और चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश, आज 20 से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाने हैं, कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, क्या जानकारी है इन प्रस्तावों पर, कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है? देखिए, जो 20 प्रस्ताव हैं अलग अलग विभागों के हैं, उद्योग विभाग से जुड़े प्रस्ताव हैं, नगर विकास से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं, जो वस्त्र विभाग है उससे जुड़े हुए प्रस्ताव। देखिए, जो अहम प्रस्ताव की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, प्रदेश में वस्त्र और गारमेंट्स को लेकर इससे पहले जो पॉलिसी आई थी वो 5 साल के लिए थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। इसलिए नई पॉलिसी को यहाँ पर आज लाया जाएगा प्रस्ताव के रूप में, और उसका जो उद्देश्य है वो है वस्त्र और गारमेंट्स का जो सेक्टर है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसमें निवेश कैसे आकर्षित किया जाए, किस तरह से रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, और इसको ध्यान में रखते हुए ये पूरी पॉलिसी तैयार की गई है, जिसमें निवेशकों को किस तरह से ब्याज पर छूट दी जाए, किस तरह से सब्सिडी मिले, जमीन को लेकर, बिजली को लेकर किस तरह से सहूलियतें उन लोग को दी जाए, इसके ऊपर ये पूरा ड्राफ्ट एक तैयार किया गया है जो आज कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके अलावा दुग्ध विकास से जुड़ा हुआ उस विभाग की जो पॉलिसी है, जो नीति है, उससे जुड़ी हुई एक पॉलिसी को भी आज कैबिनेट में रखा जाना है। लगातार सरकार का जो फोकस है, देखिए, स्टार्टअप, इनोवेशन, इनके ऊपर रहा है, जिससे लोग स्वरोजगार से जुड़े, नए नवाचार लगातार हो, और इसे लेते हुए एक इनोवेशन फंड की स्थापना से जुड़ा हुआ प्रस्ताव जो है वो भी आज की कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए, अयोध्या है, बाराबंकी है, इन जगहों, मथुरा है, इन जगहों पर जो नगर पंचायत है उसके सीमा विस्तार से जुड़ा हुआ प्रस्ताव आएगा। तो इस तरह से कुल देखिए 20 प्रस्ताव हैं, और सोर्सेज की माने तो एक प्रस्ताव जो है आईटी विभाग से जुड़ा हुआ है, जिसमें आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर ड्रोन से जुड़ा हुआ ये एक प्रस्ताव है, उसे किस तरह बढ़ावा देना है, इस तरह के प्रस्ताव हैं जो आज की कैबिनेट में लाए जाएंगे। इससे पहले देखिए, सोमवार को कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन सपा के संरक्षक रहे नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते उस दिन बैठक में शोक प्रस्ताव हुआ, उसके बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद आज ये बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 11 बजे लोकभवन में, जहां पर इन सभी महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, और उसके बाद इनको देखिए एक-एक करके पास किया जाएगा। और फोकस जो है, देखिए, इन प्रस्तावों में अगर बात करें, प्रदेश में लगातार जो $1 trillion इकोनॉमी की बात की जाती है, तो उसको किस तरह से बढ़ावा देना है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, अगर हम बस विभाग की जो पॉलिसी की बात कर रहे थे तो उसमें निवेश और रोजगार की बात है, इसी को ध्यान में रखते हुए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।